हेलो लर्नर, माय नेम इज़ रुचि गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट। इस वीडियो में हम स्टैटिक्स को करेंगे। इसमें हमने जो है कि डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा और जो है कि ओरिजिन ऑफ स्टैटिक्स, उसके बाद जो है हमने लाइन डायग्राम, बार डायग्राम और पिक्टोग्राम ये सब किया। उसके बाद हमने ये फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को भी किया। अब हम नेक्स्ट इसमें जो पढ़ेंगे, मैंने इसमें हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन आगे भी कराया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट करेंगे, रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ये वाला पोर्शन जो है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, थ्योरी भी पार्ट पूछता है मीन मीडियन मोड का। मीन मीडियन मोड में एक जो है उसकी इम्पॉर्टेंट जो है कि फार्मूला होता है, मीन इज ग्रेटर देन मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, ठीक। और इसमें एक होता है ज्योमेट्रिक मीन, इस पे भी जो है कि स्टैटिक्स में यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पेपर पूछता है। मैक्सिमम वो 4 पॉइंट के पूछते हैं, जैसे 2, x, 3, 4, इसमें एक्स की वैल्यू पूछ लेगा, या इसी तरह 4 पॉइंट दिए होंगे, 4 अंक 4 नंबर, उसका सॉल्व करने को आपको पूछ देगा, ठीक। तो इस तरीके से वो दिया हुआ होता है। तो अगर हम ये देखें कि रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में मीन मीडियन मोड ये सब, मेजर ऑफ लोकेशन आएगा, उसके बाद डिस्पर्सन वगैरह भी आएगा, तो ये वाला पार्ट जो है यूजीसी नेट के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पूरा होल जो है स्टैटिक्स का चैप्टर, ये जो है आपको जो है रिसर्च पेपर और पीएचडी के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं मेजर ऑफ लोकेशन। तो द कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा हेल्प टू डिस्क्राइब एंड प्रेजेंट दिस इनटू अ फॉर्म सुटेबल फॉर डिराइविंग लॉजिकल कंक्लूजन। यानी कि जब हमने आप इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में हमने हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, जिसमें हमने टेबल बनाना सीखा, हमने डाटा किस तरह कलेक्ट करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, वो सारी चीज़ें, जैसे हमारे पास जब डाटा कलेक्ट हो जाती है तो उसको हम टेबल फॉर्म में लाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक। तो यही दिया है कि हमारा जो है कलेक्शन करने के बाद ऑर्गेनाइज कर लिया, उसके बाद हमने उसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके बाद हमें जो है उसे एक लॉजिकल फॉर्म में लाना, मतलब कि लॉजिकल कंक्लूजन बोल सकते हैं, कि जैसे कि इसका मीन या मीडियन या इस तरह का एनालिसिस करना, वो हमारा जो है बता रहा है कि हमारा मेजर ऑफ लोकेशन और जो है इसके रिव्यू ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स में करेंगे, जो कि हम बोल सकते हैं कि हम एनालिसिस करते हैं या रिजल्ट निकालते हैं, कंक्लूजन। एनालिसिस ऑफ डाटा इज अनदर वे टू सिंप्लीफाई क्वांटिटेटिव डाटा बाय एक्सट्रैक्टिंग रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विच समराइज एंड कंप्रेहेंसिव न्यूमेरिकल्स मेजर कैन बी कैलकुलेटेड। अगर आपने जो है कि सिनॉप्सिस, अगर जो है कि आपने सिनॉप्सिस करा होगा, तो उसमें जो है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के बाद जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मेथोडोलॉजी, ये सब लगाने के बाद हमारा जो होता है कि हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, तो उसका हम लास्ट वाला जो है कंक्लूजन करते हैं, ठीक। तो उसमें हम जो है कि कंक्लूजन में हमारा जो जो भी हमने मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई करके जो हम अपना क्वांटिटेटिव डाटा या जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जैसे कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, आगे एक वीडियो में हम जो है कि, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो अभी हम थ्योरी पार्ट करेंगे, फिर मैथमेटिकल पार्ट करेंगे, तो उसमें हम हाइपोथेसिस के भी बारे में पढ़ेंगे। उसमें जो है कि एक टाइप वन एरर और टाइप टू एरर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। हर साल क्वेश्चन उससे पूछता ही है। और फिर तो उसके बाद क्वांटिटेटिव डाटा, तो हम इसमें जो है कि एनालिसिस में जो है कि उससे जो हमें डाटा मिली होती है, उससे रिलेटेड हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, फिर हम जनरलाइजेशन करते हैं कि ये उसका रिजल्ट आया। जैसे कि अगर हमारा हुआ कि सिगरेट पीने से अगर हमारे हेल्थ को नुकसान होता है, ये हमारा नल हाइपोथेसिस हो गया, और अल्टरनेटिव हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसका अपोजिट होता है अल्टरनेटिव। तो हमारा जो डाटा होगा उसके अकॉर्डिंग हम ये बताएंगे, प्रूफ करेंगे कि हमारा इफ़ेक्ट करता है या इफ़ेक्ट नहीं करता है,
ठीक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजर फॉर दिस पर्पज आर मेजर ऑफ लोकेशन। मेजर ऑफ लोकेशन में हमारा मीन, मीडियन मोड, जोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आ जाएगा। डिस्पर्सन हमारा यानी कि आप जानते हैं SD वेरियंस ऑफ SD स्टैंडर्ड डेविएशन वेरियंस, सिमेट्री एंड स्कीवनेस ये भी आता है। ये लेसन ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या बोल सकते हैं कि ये MIMP है पेपर के रिगार्डिंग। आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो मेजर ऑफ लोकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो अ सिंगल वैल्यू कैन बी डिराइव फ्रॉम अ सेट ऑफ डाटा टू डिस्क्राइब द एलिमेंट कंटेनिटी। यानी देखिए यहाँ पे अगर दिया हुआ है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सारे का जो हम इकट्ठे जो इन्फॉर्मेशन निकालेंगे उसमें ये सिंगल डाटा भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रखेगा जितने ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये सारे के सारे जितने इम्पॉर्टेंट रखते हैं वो उसमें होगा, ठीक। सच अ वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ लोकेशन। हम ऐसे जो है कि वैल्यू को हम मेजर ऑफ लोकेशन बोलते हैं जिसमें मीन, मीडियन, मोड आर द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा। देर आर अदर मेजर ऑफ लोकेशन नेमली क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल, ये जो है हमारे जो है रेंज और ये सारी चीज़ें आती है। द फॉलोइंग फिगर शो इज समरी ऑफ मेजर ऑफ लोकेशन। तो इन सबको ही हम जो है कि यहाँ पे जो है फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम है, ये है मेजर ऑफ लोकेशन जिसके दो टाइप है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एक ये अदर में है, ठीक। अदर वाला हम अभी नहीं कर रहे हैं, जो हमारा मेन है उसमें हम कर रहे हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन और मोड आ जाएगा, और मीडियन में ये क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल है, ठीक। और यहाँ पे मीन में अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। एक अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे GM का स्क्वायर इंटू AM इंटू HM होता है, ठीक। और एक ये होता है कि हमारा GM इज ग्रेटर देन HM इज ग्रेटर देन AM, ये हमारा पूछता है पेपर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अरिथमेटिक मीन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको जो है कि वर्डली बताती हूँ कि मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, सिंपल वर्ड में एवरेज निकालना। अगर हमारे देखिए यहाँ पे नंबर दिए हुए 2, 3, 4, 5, ठीक, और यहाँ पे आप ले लीजिए अच्छा 6, 5 पॉइंट है हमारे पास 6। तो ये जो नंबर एवरेज का मतलब होता है, जैसे आपने पेपर में हमारा जो रिजल्ट आता है वो एवरेज परसेंटेज करके आता है। हमारे 5 या 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो उन 6 का मार्क्स जोड़ करके डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो आपका एवरेज परसेंटेज निकल जाता है, ठीक। या आप किसी के वेट का कर सकते हैं 5-6 लोगों का, उसी तरह आप यहाँ पर मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर नंबर है दी, ठीक, नंबर का तो इसको हम जो है कि यहाँ पर हम जो है कि इसको ऐड कर देंगे और नीचे हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो टोटल नंबर दिया हुआ है, यानी ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 फ्रीक्वेंसी हो गई, और फ्रीक्वेंसी के जो नंबर है वो ऐड किए जाएंगे, यानी यहाँ पे टोटल नंबर, ठीक, यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 6 यहाँ पे ये होगा, ठीक। तो अब मैंने आपको बता दिया फार्मूला क्या होता है, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो 2, 3, 4, 5, 6 तो आप इसको ऐड करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 6 डिवाइडेड बाई 5, तो 6, 5, 11, 4, 15, 15, 5, 20 हो गया, 20 / 5 तो हो जाएगा आंसर हमारा 4। तो अगर आपका एवरेज पूछेगा तो यहाँ पे एवरेज हो गया हमारा 4, ठीक, एवरेज हमारा 4 हो गया। तो अब हम यहाँ पे थ्योरी पार्ट जो दिया हुआ है हम उसको भी समझ लेते हैं कि क्या है, ठीक। अरिथमेटिक मीन इज अ सेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल इज डिफाइंड एज देयर सम डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी जो हमने ऊपर ऐड किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फ्रिक्वेंसी, उसी को इसने जो है ऐड किया और उसका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और टोटल ऑब्जर्वेशन को ऐड भी कर दिया। इट इज यूजली डिनोटेड बाय X̅, रीड एज X̅, X̅ ये हमारा फार्मूला होता है, समेसन X
डिवाइडेड बाई यन, यन हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी है या ऑब्जर्वेशन है, और जो हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ हो जाएगा, और एक्स बार जो है कि एवरेज को दिखाता है। ठीक, अब डिपेंडिंग ऑन वेदर द डाटा आर ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, अरिथमेटिक मीन मे बी ऑफ टू टाइप। यहाँ पे जैसे अनग्रुप्ड और ग्रुप, जैसे कि हमारा 2, 3, 4 हो गया, और हमारा कंटिन्यूस भी होता है डाटा, डिस्क्रीट भी डाटा होता है। तो जो 2, 3, 4 है ये इंडिविजुअल के साथ साथ हमारा ग्रुप में भी आ जाएगा, डिस्क्रीट में भी, क्योंकि जब आप देखिए यहाँ पे केवल टू, जब हमारा केवल एक्स दिया होता है तो हम जो है इसको इंडिविजुअल डाटा बोलते हैं। ठीक, लेकिन जब हमारा एक्स के साथ यफ दिया हो तो ये हमारा डिस्क्रीट डाटा हो जाता है। लेकिन जब एक्स हमारा जो है कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ हो, लेकिन जब यक्स हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हो, यानी कि 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, और उसके बगल में उसकी फ्रिक्वेंसी दे दी हो 5, यहाँ वाली फ्रिक्वेंसी 6, तो इस तरह हम जब इसके मैथमेटिकल पोर्शन में करेंगे तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से बताऊँगी, यहाँ पे शायद आगे स्लाइड में होगा। ठीक, ये आप देखिए यहाँ पे ये यक्स वाला फॉर्म है, ये यफ वाला फॉर्म है, तो ये हम इसको डिस्क्रीट बोल सकते हैं। यहाँ पे यक्स और यफ दोनों दिया हुआ है, और यहाँ पे अगर केवल ये वाला पोर्शन होगा ये, ठीक, और ये नहीं दिया होगा तो ये इंडिविजुअल होगा। इसके बाद कंटिन्यूस का मैं आपको यही बता देती हूँ, अभी यहाँ पे है नहीं, कंटिन्यूस का इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है क्योंकि पेपर में पूछता नहीं है, क्योंकि बहुत ही लेंदी होता है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 0 से 5, ठीक, और ये हो गया हमारा यफ 2, 5 से 10, ये हो गया हमारा 3, 10 से 15, ये हो गया हमारा 1। ठीक, तो अब ये हमारा कंटिन्यूस, तो इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ठीक, ये हमारा एक्स नहीं है, ये हमारा क्लास इंटरवल है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी है। अब हम यहाँ से एक्स निकालते हैं, ये लेंदी प्रोसेस होता है और यूजीसी नेट में पूछता नहीं है। तो 0 से 5, तो हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को जोड़ते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, तो हमारे x की वैल्यू निकल आती है। ठीक, तो 0 + 5 को डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आ जाएगा। 5 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 7.5। ठीक, 10 + 15, 25 हो जाएगा 12.5। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का एक ये फार्मूला होता है, जैसे डिस्क्रीट का होता है कि समेसन एफ यक्स डिवाइडेड बाई समेसन यफ, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है। और जब आप कंटिन्यूस में ऐसे एक्स निकाल लेंगे तो ये इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। लेकिन एक जो है कि दूसरा फार्मूला होता है क्लास इंटरवल का, उसमें जो है सी आई को भी ऐड करते हैं, वो बहुत ही लेंदी है, लेकिन हम न्यूमेरिकल्स वाले में उसको ज़रूर करेंगे। ठीक, जिससे कि आपको आगे भी कहीं पे आपको समझ में आ जाए। और एक जो फ्रिक्वेंसी वाली इंडिविजुअल वाली है, जिसमें केवल ये वाला पोर्शन होता है, उसके लिए फार्मूला होता है समेसन एक्स डिवाइडेड बाई एन और से यफ, और यहाँ पे एक्स बार। ठीक, अब आगे का हम कवर कर लेते हैं यहाँ पे। तो इफ़ द रियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल एक्स आर एक्स वन एक्स टू एक्स वन, यानी जो हमारा एक्स है, नंबर ऑफ एक्स जिसको हम टोटल ऐड कर रहे हैं वो है, तो सिंपल अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन डिवाइडेड बाई एन। यहाँ पे हम समेसन एक्स बाई एन कर लेते हैं, जब हमने ये टोटल नंबर ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, ये हो गया, और इसी को ये समेसन फॉर्म यानी कि ऐड करना हमारा, देखिए आप समेसन का मतलब ही बताया, सम्स ओवर डिफरेंट वैल्यू टेकन बाई अ वेरिएबल। इफ़ द वेरिएबल एक्स टेक्स द वैल्यू एक्स वन एक्स टू डॉट डॉट एक्स वन विथ फ्रिक्वेंसी एफ वन एफ टू डॉट डॉट एफ एन, देन हमारा फार्मूला हो जाएगा ये, आप शॉर्ट में समझ लीजिए, ये हमारा जो है हमारा हो डिस्क्रीट के लिए दिया हुआ है, जो हमने आपको बताया समेसन एक्स एफ समेसन एफ।
स्टैटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो इजीली सबको समझ में नहीं आती है, लेकिन जब आप एक इजी लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से आ जाती है। तो इसका मतलब समेशन एक्स एफ समेशन एफ, अगर इसको आप लिखेंगे तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस डॉट डॉट एफ एन, और यहाँ पे एक्स वन एफ वन प्लस एक्स टू एफ टू प्लस डॉट डॉट एक्स वन एफ एक्स एन एफ एन, ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जो है ज्योमेट्रिक मीन के बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मुझे इस वीडियो में जो है नेक्स्ट वीडियो में मुझे अरिथमेटिक मीन के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स और जो है उसके जो है कि उसका मेन कोर बेस थीम क्या होता है और उसका जो है कि कोर उसका एलिमेंट क्या है वो मुझे आपको बताना है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की मीन जो है पोजिशनल है या अब्सोल्यूट है, ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताना तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।